गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको स्टैटिक्स का बचा हुआ पार्ट कराया जाएगा और मैंने इसे नाम दिया है स्टैटिक्स कंटिन्यूस। इसमें क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 9 भी आर एस अग्रवाल इसे मीडियम 24 दे रखी है और इसमें एफ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है 20 से 30 वाले क्लास में। तो इसमें सारी क्लासेस लिख ली हैं 0 से 10, 10 to 20 और इस तरह से 40 से 50 और ए फ्रीक्वेंसी 5, 25 F1 18 और 7। तो जब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हुए चले जाएंगे 5, 5 प्लस 25, 30 F1 ये हमने ऐसे मान लिया तो F1 ऐड कर लिया 30 प्लस F1 और अगले में 18 ऐड कर लिया तो 48 हो जाएगा, 30 में 18 ऐड हो जाएगा, F1 अपनी जगह रहेगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं 48 और F1 तो 48 प्लस F1 ये आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे। अब उसमें 7 ऐड कर लिया 55 प्लस F1 और मीडियन दे रखी 24। तो ये 24 जो मीडियन है हमारी क्लास 20 से 30 को बिलोंग करती है तो मैंने इसको एक इस तरह से इंडिकेट कर दिया 20 से 30। तो ये F1 हमने मान लिया F1 से और ऊपर वाला जो इसकी सीध में होता है ये वाला अपर वाला जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है वो 30 आ गई है यहाँ पर CF से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस तरह से हमें यहाँ पर मीडियन क्लास 20 से 30 मिल गई है। इसमें जो पहला वाला होता है नंबर वो L होता है तो L यहाँ पर 30 आ गया, 30 में से 20 माइनस कर देंगे H आ जाएगा 10 और इसकी ये F है, F इज इक्वल टू F1, ये हमारी F होती है ये और यहाँ पर CF 30 आ गई। N हमारी जो टोटल होता है ये वाला लास्ट में जो एड लास्ट एडिंग होती है ये हमारा N हो गया। तो मीडियन इज इक्वल टू 24 और इसमें फॉर्मूला होता है एल प्लस एच एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 24 ही दे रखा है। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, एल हमारा 20 है, ये वाला एल 20 है, इरा प्लस एच हमारा 10 है, इरा एच हमारा 10 और यहाँ पर एन बाई टू 55, ये वाला 55 प्लस एपन अपॉन टू माइनस सी एफ की वैल्यू 30 है अपॉन एपन इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर ये हमको L उधर ले जाना पड़ेगा तो 20 माइनस कर दिया 24 में से, ये वाला 20 उधर चला गया तो 24 में से जब ये माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और बटे वाला जो F1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 4F1 आ जाएगा और इसमें फिर ये 2 से काट देंगे, ये 2 5 10 ये 5 आ जाएगा और हमारी जो वैल्यू है 55 प्लस F1 ठीक है ये और माइनस का 300 ये 2 से काट के 5 आ गया और इसमें 10 की मल्टीप्लाई 30 में कर दी 300 आ गया और इज इक्वल टू 4F1 है ही। तो 5F1 और इसको उधर ले गए 300 माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर दी 55 में दैट इज 275 तो ये 25 बचेगा। तो हमारा F1 जो आएगा 5F1 में से 4F1 माइनस कर देंगे F1 इज इक्वल टू 25 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब एग्जांपल 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं और एक के बोर्ड में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं और एग्जांपल 6 है, क्लासेस दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग में पड़ी हुई हैं, एक को मैंने F1 मान लिया एक को मैंने F2 मान लिया, टेबल बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनेगी जो कि पहले बनाई थी। तो यहाँ पर 10 प्लस F1 25 ऐड करेंगे 35 प्लस F1 30 ऐड करेंगे 65 प्लस F1 F2 ऐड करेंगे 65 प्लस F1 प्लस F2 अनलाइक टर्म से F1 F2 जो कि जो ही रहेंगे, फिर 10 और ऐड कर लिया तो 75 प्लस F1 प्लस F2 और ये जो वैल्यू होती है ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है इसे n से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर सिग्मा Fi 100 दे रखा है, 100 के इक्वल टू कर देंगे 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100
तो यहां से एफ वन प्लस एफ टू आ जाएगा 100 में से ये 75 माइनस कर दिया तो 25 आएगा और हमने इसको इक्वेशन 1 नाम डाल दिया। इसके बाद मीडियन 32 दे रखी है जो कि क्लियरली 30 से 40 वाली क्लास को बिलोंग करती है, तो हमारी मीडियन क्लास 30 से 40 निकली आई और हमने फिर इंडिकेट कर दिया पहले की तरह। यहां पर हमारी जो क्लास है 30 से 40 है तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी एफ की वैल्यू 30 है, ये वाली एफ की वैल्यू 30 है और इससे अपर वाला जो पार्ट होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये सी एफ होता है, ठीक है। तो यहां पर सी एफ की वैल्यू 35 प्लस एफ पर आ गई एन 100 है और मीडियन इक्वल टू 32 दे रखा है तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया वही एल प्लस एच एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इक्वल टू 32। तो यहां पर सारी वैल्यूज डाल दी एल की एच की एन बाय 2 यानी 100 था तो एन बाय 2 50 हो गया माइनस सी एफ की वैल्यू 35 प्लस एफ पर अपॉन 30 इक्वल टू 32 दे रखा है। तो यहां पर हमने 30 को उधर ले गए और यहाँ पर 10 अपॉन 30 अलग कर दिया 15, ये 50 में से 35 माइनस करा और माइनस एफ बन करा तो 50 में से 35 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा और माइनस का एफ बन आएगा इक्वल टू 32 माइनस 30 तो ये हमारा 3 बचा अपॉन में ये उधर पहुंच जाएगा तो 15 माइनस एफ बन इक्वल टू ये 2 बचेगा 32 में से जब 30 माइनस कर देंगे 2 बचेगा 3 अपॉन में था क्रॉस में 6 हो जाएगा तो यहां से एफ वन की वैल्यू 15 माइनस 6 9 आ जाएगी। अब फिर ये क्वेश्चन में 2 डाल दिया अब एफ वन जो हमारा वैल्यू है वो 9 आ चुका है। क्वेश्चन 1 और 2 से हम यदि एक कंपेयर करें तो यहां पर एफ वन की जगह यानी यहां पर हम 9 भर सकते हैं 9 प्लस एफ टू इक्वल टू 25 और एफ टू इक्वल टू 25 में से 9 माइनस कर दिए 16 आ जाएगा। इस तरह से F1 की वैल्यू 9 आई और F2 की वैल्यू 16 आ गई है। अब हमारे पास में ये दो एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसके बाद में ये मॉडुलस का क्वेश्चन है बोर्ड का, इसमें एग्जांपल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आया हुआ है। क्लास दे रखी है 0 से 10 और लास्ट क्लास 60 से 70 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 10 और यहां पर मिसिंग थी हमने इसको F1 मान लिया, ये 16 दे रखी है ये 12 है 6 है 7 है। मोड दे रखा है 36 जो कि 30 से 40 वाली क्लास को बिलोंग करेगा, हमने फिर इसे इंडिकेट कर दिया। इसमें मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाया जाता है, मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाया जाता है जबकि मीडियन में बनाया जाता है। तो मॉडल क्लास 30 से 40 आ गई, एल की वैल्यू 30 है ये वाली और एच निकालेंगे तो 40 में से 30 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। एफ की वैल्यू हमारी 16 है, इससे पहला वाला जो नंबर होता है एफ वन होता है और बाद वाला जो नंबर होता है वो एफ टू होता है। यहाँ पर एफ की वैल्यू 16, एफ वन इसको भाग हमें निकालना है, एफ टू हमारा 12 है, मॉडुलस यानी मॉड यहाँ पर 36 दे रखा है, मॉड का फॉर्मूला लगा दिया एल प्लस एच एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू 36। वैसे बुक्स में कुछ अलग भी दे रखा है लेकिन ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये ज्यादा बेटर है। एल की वैल्यू हमने 30 भर दी प्लस एच और यहाँ पर एफ की वैल्यू 16, एफ वन हमारे पास नहीं है, 2 इंटू एफ, एफ हमारा कितना है 16, तो 16 टू जा 32 आ जाएगा माइनस एफ वन और एफ टू हमारा 12 है इक्वल टू 36। अब हम 30 को फिर ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में तो 36 में से 30 माइनस कर देंगे 6 बचेगा तो बाकी बचा 10, 16 माइनस एफ वन अपॉन 32 में से 12 माइनस कर देंगे 20 बचेगा माइनस एफ वन इक्वल टू 6 और ये 10 की मल्टीप्लाई कर दी और यहां पर 10 इंटू 16 तो 116 आएगा माइनस 10 एफ वन इक्वल टू अब इधर 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दी क्रॉस में इसके लिए अपॉन में लगा सकते हैं 1 तो 6 की मल्टीप्लाई 6 इंटू 20 120 और 6 इंटू एफ वन तो माइनस का 6 एफ वन तो यहाँ पर 160 और ये 120 को इधर ट्रांसपोज कर लाए तो 120 माइनस का हो गया माइनस का 6 एफ वन था लेकिन जब ये उधर को जाएगा तो प्लस का 10 एफ वन हो जाएगा तो प्लस का 10 एफ वन माइनस का 6 एफ वन 4 एफ वन प्लस का बचेगा 160 माइनस 120 40 बचेगा और एफ वन इक्वल टू 40 अपॉन 4 10 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है और इस प्रकार से
ये आपका जो स्टैटिक्स का पोर्शन है सारा समाप्त हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को मेरा वीडियो प्रिस्क्राइब करें, उन्हें भेजें। धन्यवाद।